हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान की पठान मूवी की 48वें दिन की एडवांस बुकिंग और 48 दिनों का टोटल इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो फ्रेंड, अगर आप शाहरुख खान को दिल से पसंद करते हैं तो हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और फ्रेंड जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फ्रेंड, आपको बता दें कि शाहरुख खान की मूवी बॉक्स ऑफिस पर 6 हफ्ते को पूरा कर चुकी है और 7वां हफ्ता चल रहा है, लेकिन अपने 7वें हफ्ते में भी ये फिल्म काफ़ी शानदार कमाई करती नज़र आ रही है। इस फिल्म ने अपने शुरुआती हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 364 करोड़ 15 लाख रुपए कमाए और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 696 करोड़ 98 लाख रुपए की कमाई की। जबकि फ्रेंड, शुरुआती 6 हफ्तों में पठान मूवी का कलेक्शन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 537 करोड़ 93 लाख रुपए तक पहुंच गया और इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 651 करोड़ 50 लाख रुपए का हुआ। जबकि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती 6 हफ्तों में पठान मूवी 1041 करोड़ के आंकड़े को पार करने में कामयाब रही और हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 519 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए, जबकि तेलुगु में 12 करोड़ 73 लाख और तमिल में 5 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए। उसके बाद फ्रेंड, इस फिल्म ने 45वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करीब 35 लाख रुपए कमाए और 46वें दिन 70 लाख की कमाई की, जबकि 47वें दिन लगभग 1 करोड़ रुपए कमाए और 48वें दिन 1 से 2 लाख रुपए एडवांस हासिल करके 40 लाख रुपए कमाती नजर आ रही है। इस तरह से फ्रेंड, पठान मूवी शुरुआती 48 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 540 करोड़ 38 लाख रुपए कमा रही है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1044 करोड़ के आंकड़े को पार कर रही है। तो फ्रेंड, आपको क्या लगता है, क्या पठान मूवी अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 1050 करोड़ के आंकड़े को पार कर सकती है या फिर नहीं? मैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।